एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का हम एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के अथक प्रयास से इन्होंने हमारे मोहल्ले के मुद्दों को उठाया और आज स्थिति यह है कि दो दिन के अंदर स्थिति एकदम बदल गई है। दो दिन पहले की न्यूज़ में आपने देखा होगा यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। एक बार फिर दिखा एक्सप्रेस न्यूज की खबर का बड़ा असर। जी हाँ, इस वक्त हम फिर से उसी नटवा के रास्ते पे खड़े हैं जहां का हाल हमने दो दिनों पहले आपको दिखाया था। बारिश के बाद किस तरह से इस पूरे सड़क पे जल जमाव था और यहाँ के लोगों की किस तरह की जो समस्याएं थी उसके निदान के लिए हमने अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि महज तीन दिनों में इस सड़क का जो हाल है, तो आप देख सकते हैं कि ये 80 मीटर तक की जो सड़क है वो दो दिनों में बन गई है। और मैंने आपको इस जगह का हाल दिया था और साथ ही वो आयुष्मान भारत वहां है, आप देख सकते हैं हम उसी सड़क पे खड़े हैं जहां की लोगों की समस्याएं जो थी निरंतर बनी हुई थी और शहर में जल निगम और गंगा प्रदूषण की देन थी जिससे लोग जूझ रहे थे। और लेकिन साथ ही आप बता दें कि इनका काम जो है वो तेजी पे लग गया है। आप देख सकते हैं यहां तक की सड़कें का निर्माण हो चुका है और आगे जो है वो सड़कें बनाई जा रही हैं। तो विश्वास, आपका सहयोग हमारा कि आप देख सकते हैं कि जो सड़क है वो हमारे पीछे बन रही है। हम आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है वो खबरों को बीच में नहीं छोड़ता, अगर उसका निदान होता है तो हम आपको जरूर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीन दिनों के भीतर जो है इस नटवा की सड़क पे काम लगाया गया। और मैं आपको साथ ही अभी आगे दिखाने वाली हूँ कि जिन सड़कों को बीच में छोड़ा गया था, हर 40 फीट पे गिट्टी बालू का जो थोपा था और साथ में वो बारिश में जो जलजमाव हो गया था, इस वक्त उसे भी कवर अप करा दिया गया है। तो चलिए उसकी तरफ ले चलते हैं। तो आप देख सकते हैं खबर दिखाने के बाद ये जो असर हुआ है हमारे ठीक पीछे, ये जल जमाव वाली जगह थी जहाँ की लोग यहाँ से कूद के और दीवारों को पकड़ के, खुद मैं यहाँ से दीवारों को पकड़ के गई थी, आपको याद हो। मैंने जो, या आप देख सकते हैं नीचे जो वीडियो दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं इसका क्या स्थिति थी। और अब हम आपको ठीक 40 फीट बाद फिर से जो जल जमाव था उसकी स्थिति दिखाते हैं। उसे भी संज्ञान में लेते हुए ढकवा दिया गया है, सड़क को बनवा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल है वो खबर की तह तक जाता है और उसका निदान भी करके लाता है। जी हाँ, फिर से एक बार स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको फिर से कुछ कहना चाहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज चैनल का हम एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के अथक प्रयास से इन्होंने हमारे मोहल्ले के मुद्दों को उठाया और आज स्थिति यह है कि दो दिन के अंदर स्थिति एकदम बदल गई है। दो दिन पहले की न्यूज में आपने देखा होगा यहाँ पहाड़ों का ढेर लगा था, अब काफी साफ सफाई है और बड़े सुचारू रूप से यहाँ सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। उम्मीद है ऐसे ही विकास होता रहेगा। धन्यवाद। तो देखा महज 48 घंटों के भीतर कैसे उस खबर को संज्ञान में लेते हुए नटवा पे जो लोग परेशान थे, जिनकी समस्याएं दिनों दिन बारिश के साथ बढ़ती जा रही थी, उसके निदान के लिए जल्द से जल्द दो दिनों के अंदर सड़कें बनवाने का काम जो है वो चालू हो गया है। और लोग हमारी न्यूज चैनल की खबर को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि शायद अभी तक कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं था, इनकी आवाज सुनने वाला नहीं था। तो विश्वास, आपका सहयोग हमारा के तहत बने रहे एक्सप्रेस न्यूज के साथ।